મીઠાપુરમાં શું સ્થિતિ છે તે અમારા સંવાદદાતાએ અત્યારે દર્શાવ્યું. ભારે પવન અત્યારે ફૂંકાઈ રહ્યો છે. હવામાન વિભાગ मिडनाइट तक हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो लैंडफॉल कंप्लीट हो जाएंगे, सिस्टम पूरा लैंड के अंदर आ जाएंगे, वही हम एक्सपेक्टेड है. एंड दूसरा कुछ नहीं है, लाइक द्वारका से 130 किलोमीटर दूर पे और जकाव से 70 पे है. एंड जब भी लैंडफॉल होगा 115 तक हम स्पीड 140 तक गस्टिंग में जा सकते हैं. विंड स्पीड वो क्या ठीक है, अभी ऐसा भी ना, अभी जो दिल्ली से इन्फॉर्मेशन है 50 किलोमीटर के आसपास उसका हाई का साइज है और 50 किलोमीटर का है उसका. ये जब लैंडफॉल होता है तब किस तरह की सिचुएशन बनती है, क्या देखो आपको हेवी रेन एक्सपेक्ट करना है. हेवी रेन होगा बेसिकली जो सौराष्ट्र का जो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कच्छ डिस्ट्रिक्ट में कोस्टल एरिया में द्वारका उस एरिया में. एंड प्लस उसके साथ आपको विंड स्पीड भी आपको 115 से 125 किलोमीटर पर आवर विंड स्पीड होगा और 140 किलोमीटर का गस्टिंग. देखो आप इतना विंड स्पीड है तो लाइट आइटम्स भी लूज आइटम्स फ्लाई हो जाएंगे, डैमेज बहुत स्ट्रक्चर डैमेज भी हो सकता है. एंड बहुत हेड भी लाइक कोस्टल एरिया में बहुत नुकसान, इवन उस एरिया में ये इसके वजह से के साथ होगा तो पानी भी अंदर से सी का पानी भी अंदर आ सकता है. देखो अभी ऐसा अपने हम डिस्ट्रिक्ट देखा जाए हम कच्छ में एक्सपेक्ट कर रहे हैं और द्वारका, ये दोनों डिस्ट्रिक्ट में अभी इनिशियली हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं 2-3 घंटे के लिए हैवी रेनफॉल का चांसेस है. देखो ऐसा अपने अभी हम एक्सपेक्ट करें नॉर्थ गुजरात में इतना ज़्यादा नहीं आया सकता, वही कच्छ के नॉर्दर्न पार्ट्स में कोस्टल एरिया में. एंड ये जो सौराष्ट्र में देखा जाए जामनगर लाइक द्वारका उसी एरिया में हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं ज़्यादातर. कितने घंटे तक ये इफेक्ट रहेगा? अभी देखो जो लैंडफॉल जो प्रोसेस है अभी शुरू हो गया, अभी मिडनाइट तक रहेगा उसका जो पूरा साइकिल.